नाउ द फाइलम एस्केहेलमिन्थेस, जिसके जो सेलेंट फीचर्स हैं, इसकी बॉडी सिमेट्री इज बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री है बॉडी के अंदर। दैट मीन्स अगर इस ऑर्गेनिज्म को सेंट्रल एक्सिस से हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दे, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो साइड पार्ट ऑफ द बॉडी के सुपर इम्पोजिबल है, यानी कि बिल्कुल लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सेम है। इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। इनको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बिकॉज दे कंटेन्स थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर के अंदर बेटा, एंड इनकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल एंड फ्लैटेंड रहती है। ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, अगर इनका हम लोग देखें तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हिटेरोट्रॉफिक ही है। ऑफ कोर्स जितने भी एनिमल्स हैं सभी में हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एंड ये पैरासिटिक भी होते हैं बेटा। और इनकी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है कंप्लीट, यानी कि इनके पास माउथ भी प्रेजेंट है एंड एनस भी प्रेजेंट है। माउथ फॉर द कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड एनस इज फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द फूड। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी डेवलप्ड है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट है, प्रोटोनेफ्रीडिया। नाउ व्हाट इज प्रोटोनेफ्रीडिया बेटा, जिस तरह से किडनीज होती हैं, किडनीज का काम क्या है, एक्सक्रीशन करना, ठीक है जी। बेसिकली किडनीज क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करती हैं, और उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, उसको फिल्टर कर देती है और उसको यूरिन की फॉर्म में एक्सपेल आउट कर देती है। लेकिन यहाँ पर किडनीज नहीं है, लेकिन किडनीज का ही काम परफॉर्म करने वाले छोटे प्रोटोनेफ्रीडिया सेल्स हैं, ठीक है जी। और ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स के बॉडी के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है, जो लिक्विड कंटेंट है, या कह लो जो सॉल्वेंट है, उसको उसका जो कंटेंट है उसको मेंटेन करके रखना। ये बात हमने सीखी थी पहले भी, मैंने एक बार एक्सप्लेन की थी वैक्यूल्स के अंदर, अगर आपको याद हो कि वैक्यूल्स का काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करवाना। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसका मतलब क्या है कि इस बॉडी के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट रहेगा एक टाइम के ऊपर, वो कौन कंट्रोल करेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया सेल्स जो है वो कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जो नर्वस सिस्टम है इनके अंदर वो प्रेजेंट है, ठीक है जी। नर्वस सिस्टम बड़ा सिंपल है, और कुछ बहुत ही कम इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स हैं, लाइक ब्रिस्टल्स एंड आई स्पॉट्स। ब्रिस्टल्स एंड आई स्पॉट्स जो हैं इसके सेंस ऑर्गन्स हैं, जो कि बहुत वीक होते हैं और वो डेवलप्ड नहीं होते हैं कम्प्लीटली। जो जेंडर्स हैं इनके अंदर, जो सेक्सेस हैं, वो सेपरेट होते हैं। मेल जो हैं वो शॉर्टर होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स की जो लेंथ है वो लॉन्गर होती है, आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में एस्कैरिस है लेफ्ट साइड पे, एंड राइट साइड पे है विच रेरी है, बैनक्रॉफ्टी। ओके, तो जो एस्कैरिस है उसमें आप देख सकते हैं कि जो फीमेल्स है उनका साइज लॉन्गर है एंड मेल्स का साइज जो है वो शॉर्टर है। इन दोनों ही बॉडीज के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो हियर वी हैव द एस्कैरिस एंड वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फाइलम एनालिडा। एनालिडा फाइलम के अंदर क्या कमाल की बातें हैं वो देखते हैं। एनालिडा जो होता है बेटा, ये मेनली एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक में ये मरीन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ठीक है जी। और ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फ्री फॉर्म में भी रहना पसंद करते हैं, और कुछ होते हैं कि जो ग्रुप्स की फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक इनका एम्ब्रियो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके बाद बेटा बाइलेटरल सिमेट्री है इनकी बॉडी के अंदर, कल मैंने एक्सप्लेन की थी बाइलेटरल सिमेट्री आपको, आई होप क्लियर है। उसके बाद इलॉन्गेटेड एंड वर्मी फॉर्म बॉडी होती है इनकी, इलॉन्गेटेड मीन्स लंबी बॉडी होती है। उसके बाद मेटामेरिकली इनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जो सेगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर एक टफ कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल बेटा एक लेयर का नाम है जो इनके बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। क्यूटिकल इज अ लेयर विच प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, एंड क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है जी। एक टफ कवरिंग होती है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब इनके पास बोन्स तो है नहीं, तो क्यूटिकल है इनकी बॉडी को रिजिड बनाकर रखने के लिए और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी के मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन्स हैं इनके पास वो कौन कौन से हैं, वो इनके पास दो होते हैं बेटा, सीटे और पैरापोडिया। पैरासिटिक फॉर्म्स के सीटे और पैरापोडिया,
ठीक है जी, ये इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। पैरासिटिक फॉर्म्स जो होती हैं एनालिडा की, उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है जी, जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होंगी उनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं सीटे एंड पैरापोडिया, ये प्रेजेंट होंगे। मैं आपको शो करूंगा सीटे किस तरह के लगते हैं आगे डायग्राम के अंदर ही। और पैरासिटिक फॉर्म्स जो भी होंगी एनालिडा की, उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स एबसेंट होते हैं। इनके बॉडी के अंदर बेटा सीलम प्रेजेंट होती है, यानी कि देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ कैविटीज। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज सीलोमेट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कैविटीज प्रेजेंट है। जैसे कि बेटा हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स जो हैं हमारे, उनके अंदर भी कैविटीज प्रेजेंट है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी, उनके अंदर भी कैविटीज प्रेजेंट हैं, तभी तो उनके थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो करता है। ठीक है जी, तो इनके बॉडी के अंदर भी सीलम प्रेजेंट है, कैविटीज जो है वो प्रेजेंट होंगी। और रेस्पिरेशन जो होती है, दैट मींस के जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रही है वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही हो रही है। बॉडी सरफेस के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो रहा है इनका। यहाँ पर कमाल की बात है, पॉइंट नंबर 6, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट। ठीक है जी, ह्यूमन बींग्स की तरह इनके पास भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं प्रॉपरली, और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, और ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन पिगमेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, एनालिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अब तक हमने नहीं देखा था किसी में भी। पहली बार क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किसके अंदर देख रहे हैं हम लोग, एनालिडा के अंदर देख रहे हैं। उसके बाद इसका नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉपरली ब्रेन है। ठीक है जी, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड सेगमेंटल गैंग्लिया, ब्रेन एंड सेगमेंटल गैंग्लिया प्रेजेंट है। ब्रेन को आपको पता है क्या होता है, सेगमेंटल गैंग्लिया क्या होता है ये समझ लेते हैं बेटा। बेटा जैसे आपने डायग्राम देखा होगा जूनियर क्लासेस में न्यूरॉन का, द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, उसके अंदर आप देखते हैं डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, फिर सेल बॉडी है, एक्सॉन प्रेजेंट है, उसके बाद नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है जी, तो न्यूरॉन्स जो हैं वो मोर एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है जी, जो गैंग्लिया है, या गैंग्लियॉन्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये न्यूरॉन्स के कॉम्बिनेशन के साथ बनते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मेक्स गैंग्लिया। चलिए जी, अब अगली बात करते हैं, एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन किस के लिए कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है इनके अंदर, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया जो है वो प्रेजेंट है इनके अंदर फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस। और इनके अंदर बेटा जो जेंडर्स हैं, जो सेक्सेस हैं, वो सेपरेट हैं। पिछली बार हमने देखा था कि प्लेटी हेलमिंथस के अंदर के वो हर्माफ्रोडाइट हुआ करते थे, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हुआ करते थे, लेकिन एनालिडा के अंदर क्या है, जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं। ठीक है जी, सेक्सेस सेपरेट इन पॉलीचिट्स, अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर हर्माफ्रोडाइट। कुछ एनालिडा है हमारे पास जैसे कि अर्थवॉर्म एंड लीचेस। ठीक है जी, ये एक्सेप्शन है एनालिडा के अंदर, अर्थवॉर्म एंड लीचेस हर्माफ्रोडाइट है, बाकी जो ऑर्गेनिज्म है जो एनालिडा से बिलोंग करते हैं वो उनके अंदर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट है। सेक्सेस सेपरेट का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्स ऑर्गन है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या मेल या फीमेल। ठीक है जी, एग्जाम्पल है इसके अंदर नेरिस, अर्थवॉर्म एंड लीचेस। चलिए जी, इनके डायग्राम्स जो है वो आपको शो करता हूं मैं। तो ये रहा बेटा इसका सिंपल डायग्राम, एक एनालिड का हमारे पास आप देख सकते हैं। अच्छा, एनालिडा के अंदर एक कल बेटा हमने एक बात डिस्कस की थी रिगार्डिंग द एक प्रोसेस था बेटा जिसके अंदर हम लोग स्टडी किया करते थे मेटास्टेसिस, सॉरी मेटास्टेसिस नहीं, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी में दो फॉर्म्स में जिंदा रह सकता है, हैप्लॉयड फॉर्म भी होती है उसकी और डिप्लॉयड फॉर्म भी होती है। ठीक है, और उन दोनों में से किसी एक फॉर्म के अंदर वो गैमेट्स बनाएगा और दूसरे फॉर्म के अंदर जाइगोट बनेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो अब हम इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये रहे सीटे एंड कीटे, लेट मी हाईलाइट, ओके, सो ये है बेटा सीटे। ठीक है जी, ये जो आप लोग बड़े स्पाइकी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, स्पाइन लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते हैं सीटे, लेफ्ट साइड के अंदर। ठीक है जी, ये बहुत टाइनी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेगमेंट्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी,
और ये जो सीटें हैं ये हर एक सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको शो किया है, इसकी एक सेगमेंट ये है और ये दूसरी सेगमेंट है, ठीक है, ये तीसरी सेगमेंट है। और सेगमेंट्स को डिवाइड कौन कर रही है, जो सेंटर में जो लाइंस प्रेजेंट है वो क्या कर रही है, वो सेगमेंट्स को सेगमेंट्स बना रही है। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स सेगमेंटेड होता है उसकी बॉडी में इस तरह की जो लाइनिंग पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो ये सेगमेंट्स की वजह से ही जो अर्थवॉर्म है इसके अंदर मूवमेंट हो पाती है, ठीक है जी। और वो सेगमेंट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत ऐसे टाइनी बेस्टर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम सीटें बोलते हैं, ये उनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। और दूसरी तरफ स्ट्रक्चर है बेटा पैरापोडिया, राइट साइड के ऊपर पैरापोडिया जो स्ट्रक्चर है, ये रहे पैरापोडियास। हर एक सेगमेंट में एक पैरापोडिया प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं हर एक सेगमेंट के अंदर एक पैरापोडिया प्रेजेंट है। सो ये पैरापोडियास का क्या फंक्शन है बेटा, इनका भी फंक्शन लोकोमोशन का ही है, ये ऑर्गेनिजम्स को मूव करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। जो पैरापोडियास होते हैं ये पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। और जो पैरापोडिया है ये बेसिकली बायरमस एंड यूरिनमस होता है, दैट मींस के इनके पास एक ब्रांच या फिर दो ब्रांचेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो देखने को मिलेगा आपको। तो ये चीज है बेटा पैरापोडिया। और सीटे में डिफरेंस क्या है कि जो पैरापोडिया है ये फ्लैशी लोब्स होते हैं, ये सीटे के जितने हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, ये फ्लैशी हैं, मोटे जरूर हैं लेकिन हार्ड नहीं है। जो सीटें हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन काम दोनों का सेम ही है, काम दोनों का लोकोमोशन का ही है। और ये रहे हमारे पास एग्जाम्पल नैरिस का, अर्थवॉर्म एंड लीच, ये आप देख सकते हैं इनकी बॉडी के अंदर आपको सेगमेंट्स जो हैं वो बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। हर एक तीनों ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है। तो एनालिडा का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या देख रहे हैं हम लोग, कि उनकी बॉडी के अंदर जो सेगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, इजिली विजिबल सेगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। तो ये है बेटा, और ये लोकोमोशन के लिए इनके पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीटे एंड पैरापोडिया। नाउ लेट्स मूव टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, यानी कि सीलम प्रेजेंट होगी बॉडी के अंदर, और जो इनकी भी बॉडी है उसके अंदर भी सेगमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। चलिए जी, अब इनकी बॉडी इज देयर बॉडी इज कवर्ड विद काइटनस एक्सोस्केलेटन। नाउ दिस टर्म इज न्यू फॉर यू। सो बेटा देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्केलेटन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटन के अंदर कौन से चीजें स्टडी करते हैं हम, बोन्स एंड कार्टिलेज, बेसिकली दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है जी। तो उसमें हम क्या देखते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज, ये दो चीजें आती हैं स्केलेटन के अंदर जो स्टडी करते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बोन्स एंड कार्टिलेज है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स आर एंडोस्केलेटन, ठीक है जी। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्केलेटन है वो किस तरह का है, एंडोस्केलेटन है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो उनके बॉडी का स्केलेटन एक्सोस्केलेटन होता है, दैट मींस बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। अब आप इसको ऐसे मत सोचेगा कि बोन्स बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगी, नहीं ऐसे नहीं है बेटा। जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो बोन्स के साथ नहीं बना, वो काइटिन के साथ बना हुआ है, CHITIN, काइटिन। काइटिन क्या होता है, काइटिन एक प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, जो कि हार्ड होता है, ठीक है जी, हार्ड होता है। यीस्ट की सेल वॉल भी किसके साथ बनी होती है, काइटिन के साथ बनी होती है, ठीक है ना। तो यहां पर इनकी बॉडी के बाहर काइटिन की एक लेयर है जो कि इनकी बॉडी को टफ बनाती है बाहर से। तो इनकी बॉडी को जो प्रोटेक्शन है, जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो बाहर से मिल रही है, दैट इज व्हाई देयर स्केलेटन टाइप इज एक्सोस्केलेटन। ओके, तो इनके बॉडी सेगमेंट्स जो होती हैं उनके अंदर पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हर एक सेगमेंट के अंदर आपको अपेंडेजेस का पेयर देखने को मिलेगा ना। वो अपेंडेज क्या हो सकती है, अपेंडेजेस कैन बी एनी स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। अपेंडेज क्या हो सकती है, अपेंडेज कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, जितनी भी सेगमेंट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होगा, पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है जी। ओके, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं अपेंडेजेस। नाउ अगली बात क्या है, इनके बॉडी के अंदर हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, ठीक
ठीक है जी, यानी कि जब आप इन स्ट्रक्चर्स को देखोगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स को अगर हम व्यू करेंगे तो उनकी बॉडी में हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अब यानी कि इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, हेड, थॉरेक्स पार्ट एंड एब्डोमेन पार्ट। अगली बात करते हैं, बॉडी कैविटी इज हेमोसोल। हेमोसोल का मतलब क्या है बेटा? हेम का मतलब है हेमोग्लोबिन, सोल का मीन्स कैविटी, मतलब कि इनकी बॉडी कैविटी के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप है। ये मैं समझाता हूँ, हमने उसमें स्टडी किया था एनालिडा के अंदर के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप, लेकिन यहाँ पर किस तरह का है? ओपन टाइप। नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? बेटा जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, ठीक है ना। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होगी, बस ब्लड प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो ब्लड है वो एज सच बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो ब्लड के अंदर डिप हुए होते हैं, दे आर बाथड इन ब्लड। ठीक है जी, ये होता है हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, विच मीन्स ऑर्गेनिज्म डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी ब्लड वेसल इन इट्स बॉडी, ऑल द ऑर्गन्स आर बाथड इन ब्लड डायरेक्टली। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट चीज है बेटा हमारे पास के जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट है, दैट मींस इनके पास माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है। इनकी बॉडी के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो गिल्स के थ्रू भी होता है, ट्रैकिया के थ्रू होता है, और बुक लंग्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, नाउ गिल्स, ट्रैकिया एंड लंग्स, बेटा अब ध्यान देंगे, अगर हम मैं आपको ह्यूमन बींग्स की बात बताऊं तो ह्यूमन बींग्स के केस के अंदर क्या करते हैं, जो लंग्स हैं, लंग्स आर द मेन ऑर्गन फॉर द गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, और अगर आपने लंग्स का डायग्राम आपको याद हो, 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा रेस्पिरेशन के अंदर, के जब हम इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो वो पहले कहाँ जाती है? हमारे फेरिक्स के अंदर, नोज के थ्रू इनहेल करेंगे, नेजल कैविटी, फिर उसके बाद फेरिक्स आएगा, फेरिक्स के बाद लैरिक्स आएगा, लैरिक्स के बाद ट्रेकिया आएगा, ट्रेकिया के बाद ब्रोंक्योल्स आएंगे। ठीक है जी, ब्रोंक्योल्स के बाद आगे क्या आ जाएगी? हमारी जो एल्वियोलाई है वो पार्ट आ जाएगा। तो हमारे पास ट्रेकिया प्रेजेंट है और लंग्स प्रेजेंट है, मतलब कि ट्रेकिया और लंग्स एक ही चीज कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड ऑन हो गई? गिल्स, गिल्स भी प्रेजेंट है, विच मीन्स कि ये अंडर वाटर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है जी, और टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, इनका हैबिटेट जो है ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं एंड टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है जी, इनके बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए मालफिजियन ट्यूब्यूल्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज ग्रीन ग्लैंड्स। नाउ बेटा, ये जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया है, ठीक है, वो लोअर ऑर्गेनिज्म में है, आर्थ्रोपोडा इज एडवांस व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स का भी काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन का ही काम है। ठीक है जी, तो वो मेन एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीशन है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स करेंगे इनके अंदर, और इनके बॉडी के अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं बेटा। ठीक है जी, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे। जहां पर आपको वर्ड मिल जाए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मीन्स डाइमॉर्फिज्म, डाई मीन्स दो, मॉर्फिज्म मीन्स शेप, यानी कि सेक्सुअल, यानी कि सेक्स की दो शेप्स हैं, या तो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है जी, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिजम्स की दो शेप होती हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल। ओके, तो जो एनिमल्स हैं, एनिमल शो माउंट मोल्टिंग एंड एकिडाइसिस। नाउ बेटा, मोल्टिंग एंड एकिडाइसिस क्या होता है? मोल्टिंग होता है यहाँ पर फेदर्स का शेड करना, लेकिन इनके पास फेदर्स नहीं होते हैं। ठीक है, एकिडाइसिस का मतलब होता है जो स्किन होती है ना, जो स्किन होती है ये ओल्ड स्किन को शेड कर देते हैं। ठीक है जी, और इनके जब ओल्ड स्किन शेड करते हैं तो पहले ही न्यू स्किन आई रहती है। ठीक है जी, तो जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा कैटेगरी के अंदर जो आपको एनिमल्स मिलेंगे ये अपनी ओल्ड स्किन शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक
ठीक है जी, टाइम के साथ। और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है। नाउ बेटा फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन इज देयर। ओके, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर एग एंड स्पर्म की फ्यूजन होगी इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है जी, यहां पर जो एग है वो भी बॉडी के बाहर रिलीज होता है, स्पर्म भी बॉडी के बाहर रिलीज होता है, और बाहर ही फर्टिलाइजेशन होती है, बाहर ही जाइगोट बनता है, बाहर ही नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में। बट इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन वहां पर क्या होने वाला है, फीमेल बॉडी के अंदर जो जाइगोट फॉर्मेशन है वो रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल है स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, सेंटीपीड, मिलीपीड, बटरफ्लाई एंड मॉथ। ठीक है जी, ये चीज रहेंगे इसके अंदर। अब ये भी मेटामॉर्फिसिस जो है वो शो करते हैं। ठीक है जी, मेटामॉर्फिसिस, मेटामॉर्फिसिस का मतलब क्या है कि इनकी लाइफ फेज में भी अलग अलग फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि दो फॉर्म्स होती हैं इनके अंदर, एक होती है बेटा होलो मेटाबोलस, एक होती है हेमी मेटाबोलस। होलो मेटाबोलस एंड हेमी मेटाबोलस आर टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स हैं। ठीक है जी, होलो मेटाबोलस का मतलब होता है कि कंप्लीट मेटामॉर्फिसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। यानी कि आप इस चीज को समझेंगे, इस डायग्राम की तरफ देखेंगे बेटा, फिर मैं समझाता हूं आपको। स्टार्टिंग में क्या चीज है, यहाँ पर एग है। ठीक है, ये एग्स हैं। एग्स जब हैच होंगे तो क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। आप देखिए लार्वा की शेप किस तरह की है। ठीक है, लार्वा के अंदर क्या होगी, ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस होगी, और वो क्या बन जाएगा, प्यूपा बन जाएगा। अब प्यूपा देखिए, ठीक है जी, जो प्यूपा है वो किससे डिफरेंट है, वो लार्वा से डिफरेंट है। ठीक है, प्यूपा के अंदर अगेन मेटामॉर्फोसिस होगी, उसके स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी, नए ऑर्गन्स डेवलप होंगे, बॉडी शेप चेंज होगी, और क्या बन जाएगा, एक अडल्ट बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे पास क्या केस है कि जो अडल्ट बॉडी है वो लार्वा बॉडी से बहुत ही डिफरेंट है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, अगर ऐसा सिनेरियो हो जहां पर अडल्ट बॉडी लार्वा बॉडी से डिफरेंट हो, उस तरह की मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं होलो मेटाबोलस, विच मींस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये किन के अंदर होती है, ये होती है बटरफ्लाइज के अंदर, मॉथ के अंदर एंड बीटल के अंदर। अगर हम बात करते हैं हेमी मेटाबोलस की, दैट इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, यहां पर आप देखेंगे कि ये रहे एग्स, एग्स हैच होने के बाद क्या बनेंगे, निम्फ बनेंगे। क्या बन रहे हैं, निम्फ बन रहे हैं। ठीक है, या आप लोग इसको लार्वा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लार्वा की शेप आप लोग देखिए यहां पर। ठीक है जी, और उसके बाद अडल्ट की शेप देखिए। तो बेटा यहां पर जो निम्फ या फिर लार्वा की शेप है वो तो बिल्कुल अडल्ट के जैसी है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहां पर मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं हुई है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हो रहा है बेटा, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि एन इंडिविजुअल अंडरगोज मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर एक इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर वो ग्रोथ अच्छे से होगी, कंप्लीट ग्रोथ होगी, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं होलो मेटाबोलस। अगर वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है, विच मीन्स के जो फाइनल में ऑर्गेनिज्म बना, जो अडल्ट बना, वो तो कैसा दिख रहा है, वो तो अभी भी जी हमारे लार्वा जैसा ही है, विच मीन्स के लार्वा में और अडल्ट में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब कि जो मेटामॉर्फोसिस है वो अच्छे से नहीं हुई है। ठीक है, अगर मेटामॉर्फोसिस अच्छे से हुई होती तो फिर तो उनकी शेप्स अलग अलग होनी थी, बिकॉज मेटामॉर्फोसिस में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाइज का एंड ग्रास ऑपर्स का, हेमी मेटाबोलस के केस में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगली जो चीज है एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपॉड, आर्थ्रोपॉड्स के एग्जाम्पल्स हैं बेटा स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड सेंटीपीड। ठीक है जी, स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड सेंटीपीड ये एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इसके। अच्छा, अब आपको डिफरेंस बता देते हैं कि एक मॉथ के बीच में और एक बटरफ्लाई के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखने में हम कंफ्यूज कर देते हैं इसको कि हाँ यार एक जैसी तो लग रही है, लेकिन डिफरेंस है इन दोनों में, डिफरेंस बिटवीन बटरफ्लाई एंड मॉथ।
तो बटरफ्लाइज का कलर हमेशा ब्राइट रहता है बेटा, मौत का कलर डल होगा हमेशा, ठीक है जी। जो बटरफ्लाइज होती हैं वो डे टाइम पर एक्टिव होती हैं, बटरफ्लाइज आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, बटरफ्लाइज आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। और जो ऑर्गेनिज्म डे टाइम पर एक्टिव होते हैं उनको बोला जाता है डाइयर्नल, ठीक है डाइयर्नल। एंड जो ऑर्गेनिज्म नाइट टाइम एक्टिवेट होते हैं ठीक है उनको बोला जाता है नॉक्चर्नल, नॉक्चर्नल ठीक है। तो मॉथ नॉक्चर्नल है, बटरफ्लाई डाइयर्नल है। उसके बाद जो इनके विंग्स हैं ठीक है जी, इनके जो विंग्स होंगे वो जब रेस्ट पे होंगे यानी कि जब ये उड़ नहीं रहे होंगे ठीक है ना, तो वो उनका अरेंजमेंट हमेशा किस तरह का रहेगा, वर्टिकल रहेगा यानी कि सीधे होंगे, सीधे खड़े होंगे वो। लेकिन जो मौत है जब इनके विंग्स रेस्ट पे होंगे तो इनका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इनके विंग्स फ्लैट हो जाएंगे जब ये रेस्ट करते हैं। ये डिफरेंस है बहुत अच्छा इनके अंदर। एंटीना जो है बटरफ्लाइज के लॉन्ग होते हैं, फिलामेंटस होते हैं एंड क्लब्ड होते हैं, लेकिन एंटीना जो होते हैं मौत के वो बहुत शॉर्ट होते हैं एंड फेदरी होते हैं, ठीक है जी। तो ये डिफरेंसेस हैं बेटा इन दोनों के बीच में। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड विद फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का जो होता है, इसके अंदर एग्जांपल स्नेल का ले लेते हैं बेटा। तो ये एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक के अंदर ये मरीन होते हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ फॉर्म्स इनके टेरेस्ट्रियल के भी हैं एंड फ्रेश वाटर के भी हैं। तो इनकी जो बॉडी है वो बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी है, अनसेगमेंटेड होगी, बॉडी के अंदर कोई भी सेगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, जैसे कि हमने पहले देखा था सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। ट्रिप्टोब्लास्टिक इनका एम्ब्रियो होता है और बॉडी सिमेट्री बायलेटरल है, ठीक है जी। और इनकी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हेड फुट मेंटल एंड विसरल मास जो है इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेड जो आपको दिख रहा है ठीक है, इनके नीचे फुट्स जो होंगे वो दिखेंगे। फुट्स अब एक्चुअल में एज सच फुट नहीं है, मतलब कि जितना वेल डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स का है वो चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर फुट उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। मेंटल एंड विसरल मास जो है वो है इसकी जो आपको ऊपर शेल दिख रही है उसके अंदर वाले मास की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसको हम लोग ये जो प्रोटेक्शन है इसकी, इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी एक्सोस्केलेटन होता है, जो इसकी शेल होती है ठीक है ना, वो एक्सोस्केलेटन है इसका जो इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एक्सोस्केलेटन जो है वो कहां से बना हुआ है, मेड ऑफ वन और मोर कैलकेरियस स्पीशीज। कैलकेरियस मींस जो हाई कैल्शियम एंड फॉस्फेट के साथ इसका जो शेल है वो बना हुआ है। बॉडी कैविटी कॉल्ड हेमोसोल विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये बात फिर से वही आ गई है, हेमोसोल जहां पर वर्ड आ गया वहां पर समझ आइए कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का है, ओपन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है ठीक है जी। एंड इनके इनके अंदर पिगमेंट भी प्रेजेंट होती है, हेमोसियानिन, हेमोसियानिन नाम के पिगमेंट जो है इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनका जो कलर भी रहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इस इनके अंदर कौन सा है, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट है मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया। एंड नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप्ड है, सेक्सेस इनकी बॉडी के अंदर सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है जी। तो बहुत इजी पार्ट है बेटा इसमें, अगेन फिर मैं रिपीट करूंगा, कंपैरेटिव स्टडी करके चलना, समझ में आता जाएगा। बहुत से इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगे एक फाइलम में, और उसके बाद सभी फाइलम्स में वो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो वो एक बार आपको याद करने होंगे कि यहाँ से स्टार्ट है, उसके आगे वाले जितने भी फाइलम्स हैं उनमें सभी में ये चीज है, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल है बेटा इसके अंदर नियोपलाइना, काइटन, पाइला और उसके बाद सीपिया, ऑक्टोपस। चलिए जी अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ओके ऑक्टोपस एंड सीपिया के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है जी। ऑक्टोपस भी मोलस्का से बिलोंग करता है, यस। तो इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो बॉडी ऑक्टोपस की किस तरह की होती है, ग्लोबुलर बॉडी होती है और इसकी बॉडी में कोई फिन्स नहीं होते हैं, मतलब तैरने के लिए जो फिन्स होते हैं जिनको हम फर बोलते हैं वो एबसेंट होते हैं इसकी बॉडी के अंदर। इसकी बॉडी के अंदर जो हेड है ठीक है, उस हेड के सराउंडिंग क्या प्रेजेंट होती हैं, 8 इक्वली लॉन्ग पावरफुल आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। ऑक्टोपस की बॉडी के जो हेड होता है, हेड पार्ट के अराउंडिंग 8 जो हैं या उससे ज्यादा भी इक्वली लॉन्ग आर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, पावरफुल आर्म्स होती हैं। और इनकी आर्म्स के ऊपर आप लोग ये व्हाइट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं बेटा, ठीक है जी, ये सकर्स होते हैं, ये अगर एक जगह पर चिपक जाए ठीक है ना, ये दे आर जस्ट लाइक वैक्यूम कप्स, ठीक है जी, ये इसको एक जगह पर होल्ड करके रखने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर शेल या एक्सोस्केलेटन जो है वो एब्सेंट होता है, शेल एब्सेंट होती है,
ठीक है जी। अगर हम सीपिया की बात करें तो इसकी जो बॉडी है वो इलॉन्गेटेड है और इसके पास फिन्स जो है वो प्रेजेंट है तैरने के लिए। ठीक है जी। हेड जो है उसके सराउंडिंग, हेड के सराउंडिंग, हेड इज सराउंडेड बाय 10 आर्म्स। इसके हेड के सराउंडिंग 10 आर्म्स हैं, 2 लॉन्ग आर्म्स जिनमें 2 आर्म्स जो है वो लॉन्ग है एंड रिमेनिंग 8 जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। उसमें इक्वल लेंथ की आर्म्स हैं, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट लेंथ की हैं। सकर्स जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट हैं, ठीक है जी, और शेल इसके अंदर इंटरनल है, इसकी बॉडी के अंदर जो है वो शेल प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्टोपस एंड सीपिया। नाउ लेट्स मूव टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के फीचर्स क्या हैं कि बेटा ये मरीन है, ठीक है जी, और इसकी सिमेट्री जो है वो रेडियल रहेगी, रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर के अंदर। बॉडी के अंदर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कहाँ पर हेड है, कहाँ पर थॉरेक्स है, कहाँ पर एब्डोमेन है, हमको नहीं पता लगता। ठीक है जी, यानी कि इनकी बॉडी में ये चीजें जो है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। बॉडी शेप जो है वो किस तरह की है, वो सिलेंड्रिकल है या फिर स्टार शेप भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होगी और उसके सराउंडिंग आर्म्स प्रेजेंट होंगी। एक्सोस्केलेटन है बॉडी के अंदर, और एक्सोस्केलेटन जो है वो बना किसके साथ हुआ है। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ क्लोजली फिटेड प्लेट्स कॉल्ड थीका। इसके एक्सोस्केलेटन के अंदर बहुत ही माइन्यूट प्लेट्स होती हैं जो पूरी बॉडी के बाहर फिट की गई हैं। पूरी बॉडी के बाहर मतलब कि थीका ने इनकी पूरी बॉडी सराउंड की हुई है। ठीक है जी। सीलम इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है एंड ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन। इनके पास ट्यूब फीट्स प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन पर्पस के लिए। एलिमेंट्री कैनाल इनकी बॉडी का कंप्लीट है। माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रिमिटिव है। यहां पर आप देखेंगे कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, नर्वस सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव है। ठीक है, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं है इनके अंदर, प्रिमिटिव है। तो यहां पर इनके एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्चिन, सी ककंबर। ठीक है जी। तो वही है बेटा कि इनकी जो बॉडी है, अगर आप स्टारफिश की बॉडी को देखेंगे ध्यान से, तो इनकी एक्सटर्नल पार्ट में आपको थीकास जो है वो दिखेंगे। इसी तरह से सी अर्चिन का भी इसी यही है बेटा, और सी के कंबर में भी यही सेम चीज है इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स में। नाउ इसके साथ ही बेटा हमारा ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा है ये ओवर हो गया है, एंड हम